तो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक रॉक। हाँ, रॉक यानी पत्थर। तो आज हम बनाएंगे, आप इसको गेम में भी स्पोर्ट कर सकते हैं और अलग अलग आप इससे एडिशन भी कर सकते हैं। और लेट्स बिगिन। पहले अपने को क्या करना है, ये रॉक जैसा आपके फाइव इमेजेस से डाउनलोड करने हैं। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक दे दूंगा। फिर आपको चालू करना है ब्लेंडर। आप ब्लेंडर चालू कर लेंगे तो आपको ये क्यूब रहेगा, तो क्यूब को आपको डिलीट नहीं करना है। तो पहले क्यूब को डिलीट नहीं करना है। तो फिर आने आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है। फिर यहाँ पर आपको सब डिजिटल सरफेस मॉडिफाई को यूज़ करना है, तो ये आपका हो जाएगा। और व्यू पोर्ट को 5 पे सेट कर देना है, हो गया। फिर बाद में हमने वो क्या करना है, इससे मॉडिफायर को ऐड करना है। तो अपने को कौन सा डिस्प्ले सारा मॉडिफायर को ऐड करना है, तो हो गया। तो फिर हमने वो क्या करना है, न्यू पे दबाना है। न्यू पे जैसे ही हम लोगों ने दबा दिया, यहाँ पे टेक्सचर पे सेट हो गया। अब हमको टेक्सचर वाले में जाना है, तो टेक्सचर पे जाके हमने को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो के ऊपर है तो उसको हमने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा, आप इसको भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसको साइज को अप करना है 1.11। तो 1.11 सेट करेंगे तो एक रॉक जैसा टेप आ जाएगा। तो बस और कुछ नहीं है। और इसको अपने को जो इंटेंसिटी है इसको थोड़ा सा एकदम देखते हुए वो 0.5 पे लाना है। तो ये हमारा बन गया। तो अपने को स्टेडी टू स्मूथ कर देना है। ये देखो एकदम मस्त स्मूथ सा हो गया, रॉक बन गया। तो फिर हमने इसको यहाँ पे जाने का, फिर जो टेक्स्चर है उसको उससे कर देने का। इस पर आप करने से क्या होगा, जब एडिट में जाएंगे ये पूरा बॉक्स जैसा हो जाएगा। अगर इसको नहीं करोगे तो सर्कल रहेगा, और ऐसे करोगे तो आपका वो शेप रहेगा, तो पता चलेगा हाँ मेरा रॉक कौन से शेप का है। तो अपने को सिंपली क्या करना है, आप वो आपके ऊपर, आपको कैसा बनाना है, कौन से शेप में आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अपने इसको शेप को लेके एक अच्छा सा रॉक जैसा, एकदम बड़ा सा रॉक जैसा टेक्सचर दे सकते हैं। आपको कैसा भी, आप कहीं भी जितने गेम में, बहुत ही इजी है, बहुत इजी। तो आप यूज़ करना है। फिर जल्दी से हो गया, उनको जल्दी जल्दी करना है। फिर हमने को शेडिंग में जाना है। शेडिंग में गया, फिर शेडिंग में फिर आप क्या करना है, आपको जल्दी से प्रीमिसेस में जाके यहाँ पर टाइप करना है NOD। नोड टाइप किया तो आपको एक आ जाएगा। तो ये वाला नोड वैनगुलर को आपको सिलेक्ट करना है। पहले आप नहीं करेंगे तो सिलेक्ट नहीं देगा। तो आपको बाद में सिलेक्ट करके रिफ्रेश पे दबा देना है, हो जाएगा। फिर बाद में आपको इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको क्या करना होगा, CTRL Shift + T। तो आपका ऑप्शन आएगा, आपने जहाँ पे वो 5 इमेज सेव किया है तो उसको सिलेक्ट करना है। पहले आपको उसको जिप फाइल में मिलेगा, तो आपको जिप फाइल से उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट जहाँ पे आप किया वो लोकेशन में जाके उसको फाइल को सिलेक्ट करना है। तो फिर आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल टेक्स्ट सेव पर दबा के, और एकदम आपका जो इमेज होगा वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं अलग अलग, कैसे आपको चाहिए वैसे आप सेट कर सकते हैं। वैसे रफनेस, ये सब रफनेस सेट कर सकते हैं अपने तरीके से। तो ये हमारा बन गया। आप इसको एडिट मोड में जाके देखिए तो बहुत सही बनेगा। और इसमें आपको अगर कुछ कलर वलर करना है, डेप्थ वेप्थ डालना है तो आप डाल सकते हैं, या एडिट दबा के एडिट में जाके कुछ भी में कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे गए इसको सिलेक्ट किया, या ई दबा के भी कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा अच्छा पत्थर मिल जाएगा। तो फिर आप इसको अलग अलग डायरेक्शन से कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आप ये पत्थर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो एकदम रियलिस्टिक लगेगा। तो फिर अपने को फेसिस का इमेज बनाते हैं हम लोग। तो हम हर वीडियो बनाते हम लोग इसको सिंपली डेस्कटॉप पर कर देंगे जो PNG में सही है अपना। और ये जो हमारा बेकार है 30 बैकग्राउंड है उसको अपने चेंज कर लेंगे। और अपना सबसे अच्छा बैकग्राउंड कौन सा है, वाइट है, तो वाइट कलर उन्होंने सेट कर लिया। लॉक कैमरा के लिए हम लोग कहीं भी कैमरा के लिए तो साइड व्यू आएगा। तो अपने को क्या करना है, सिंपली सिलेंडर पे जाना है।
रेंडर एनिमेशन करना है, रेंडर एनिमेशन हमारा हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर वही हमारा रेंडर एनिमेशन हो गया। अगर आपको ये थोड़ा सा अच्छा करना है तो फिर हमने को क्या करना पड़ेगा, ईवी से साइकिल से हमने कर देंगे, ईवी से साइकिल से कर देंगे, फिर रेंडर करेंगे एनिमेशन तो और अच्छा होगा। तो आप ऐसे आगे कर सकते हैं, अब रेंडर एनिमेशन कर जो मैंने सेव किया था वो ही रहा, आप देख सकते हैं रॉक आ गया हमारा। लोड हो जा, मेरा कंप्यूटर पर स्लो है। हाँ ये हो गया हमारा रॉक। तो आप कोई भी गेम इंजन डाल रही है, कोई भी यूनिटी आप यूज करते हैं, यूनिटी में भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं सिंपल है बस टेक्सचर्स का खेल है। तो जो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किए, कुछ सीखने मिला हो तब भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे वीडियोस हम लोग हर रोज लेके आते रहेंगे। अभी तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा लेट करूँगा, क्योंकि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है तो इसकी वजह से मेरा लेट होगा। ठीक है मैं हम अभी सभी जो अब तो स्टे ट्यून्ड।